जानवरों को जिंदा रहने के लिए रोजाना जंग करनी पड़ती है। कभी वो जंग भोजन के लिए होती है तो कभी जान बचाने के लिए। कभी जंगली जानवर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं तो कभी बेचारे जानवर खुद ही किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही हार्ट ब्रेकिंग क्लिप्स पेश करने जा रहे हैं जब जानवरों ने इंसानों से दया और मदद के लिए झुककर रिक्वेस्ट की। धरती पर केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जो संकट के दलदल में फंसे इन जानवरों की मदद करने में सक्षम है। दोस्तों, 10वीं वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पपी ऑन रेलवे ट्रैक। ये क्यूट सा पपी इतना भूखा था कि भोजन की तलाश में भटकते भटकते रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भोजन की तलाश में एक खतरनाक जगह पहुंच गया है। लेकिन भला हो इस इंसान का जिसने समय पर पहुंचकर न केवल इसकी जान बचाई बल्कि इसे खाने के लिए भोजन भी दिया। पहले तो ये पपी इस शख्स के पास जाने से घबरा रहा था क्योंकि उसे लगा कि ये कहीं नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया है। लेकिन जब पपी को महसूस हुआ कि ये व्यक्ति उसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसके लिए भोजन लाया है, तब पपी खुशी खुशी आगे बढ़ा और बिस्किट खाने लगा। इस आदमी को पपी पर इतना प्यार आया कि वो उसे अपने घर ले गया और खाने का इंतजाम भी किया। आज की तारीख में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेबी शार्क ट्रैप अमंग द रॉक। जैसे ही कुछ सर्फर समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चट्टानों के बीच शार्क का बच्चा फंसा हुआ है और हेल्प मांग रहा है। कुछ देर तो वो उसे देखते रहे कि शायद ये बच्चा अपने आप पानी में चला जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पाया कि वो पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस चुका है और उसकी फैमिली से भी वहां कोई मौजूद नहीं है, तब इन यंगस्टर्स ने बेबी शार्क की जान बचाने का फैसला किया। पहले तो इन युवाओं ने शार्क के बच्चे को पानी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे तब उन्होंने बेबी शार्क को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला, फिर उसे आगे ले जाकर बहते पानी में छोड़ दिया। अगर ये नौजवान मौके पर नहीं पहुंचते और शार्क बेबी की जान नहीं बचाते तो हो सकता है कि इसकी मौत हो जाती और ये अपनी फैमिली से कभी मिल ही नहीं पाता। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। किटन वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द बर्निंग हाउस। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी की जान बचाना पुण्य से कम नहीं है, खासकर बेजुबान जानवरों की। जब इस घर में आग लगी तब घर में मौजूद पूरी फैमिली तो बचकर बाहर निकल गई, लेकिन गलती से एक छोटी सी बिल्ली घर में ही रह गई। तब रेस्क्यू टीम ने बेचारी बिल्ली की जान बचाई। दरअसल घर में इतना धुआं फैल चुका था कि बिल्ली के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था और वो दम घुटने से बेहोश हो गई। तब ये फायर फाइटर पहले तो बिल्ली को घर से बाहर ताजी हवा में लेके गया और फिर उसे ठीक करने के लिए ऑक्सीजन दी। बिल्ली आग से झुलस गई थी, इसलिए फायर फाइटर ने राहत देने के लिए इस पर ठंडा पानी भी डाला। जैसे ही बिल्ली को होश आया तो फायर फाइटर ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया और बिल्ली भी आराम से चिपक कर बैठ गई। मैन सेव्स मंकी लाइफ व्हेन ही वाज बैटलिंग हार्ट फेलियर। इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी भर जाएगा। दरअसल हार्ट फेलियर होने की वजह से इस बंदर की लगभग मौत होने वाली थी, तभी इस दयालु इंसान ने पहुंचकर बंदर की जान बचा ली। आप खुद ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये बंदर जमीन पर चित पड़ा है और अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। लेकिन इस इंसान ने भी बंदर का जीवन बचाने की जैसे कसम खा ली हो। वो लगातार बंदर को उठाने की कोशिश कर रहा था मगर जब कोई तरीका काम नहीं आया तब इस काइंड पर्सन ने बिना देर किए बंदर को अपने मुंह से सांस देना शुरू किया। कुछ देर बाद जान बचाने वाले इस आदमी की कोशिश रंग लाई और बंदर ठीक हो गया। इस आदमी को बंदर से इतना लगाव हो गया कि उसने बंदर के ठीक होते ही उसे छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया। When the giant snake caught the deer badly। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना थाईलैंड में देखने को मिली जब एक विशालकाय सांप यंग हिरण को अपने भोजन बनाने के लिए उसे दबोचने की कोशिश में लगा था। सांप हिरण पर कुंडली मार कर बैठा था और उसे मारने की तैयारी में था, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने हिरण को बचाने के लिए मदद भेजी। दरअसल जब यहां से कार में गुजर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि ये बड़ा सा सांप हिरण को दम घोट कर मारने का प्रयास कर रहा है तो वो हिरण को बचाने में जुट गया। कार में बैठे शख्स ने पहले तो एक पेड़ की डंडी ली और सांप को हटाने लगा, लेकिन सांप ने उल्टा उस पर अटैक करने की कोशिश की मगर वो शख्स भी पीछे नहीं हटा और सांप को भगाने के लिए लगातार उसे डंडी से भगाने लगा। सांप की पकड़ ढीली होते ही हिरण मौके से भाग गया और इस तरह रास्ते से जा रहे व्यक्ति ने हिरण की जान बचा ली। आखिरकार सांप को उल्टे पैर जंगल में लौटना पड़ा। मैन हेल्प्ड स्लॉथ।
स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो अपने जीवन का अधिकतम समय पेड़ पर लटक कर बिता देते हैं। इनकी खूबी है कि ये उल्टा लटक कर ही भोजन भी खा लेते हैं। दरअसल स्लॉथ एक शाकाहारी स्तनधारी जानवर है और ये पूरे मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें ब्राजील और पेरू के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। लेकिन मालूम नहीं कैसे ये स्लॉथ सड़क पर पहुंच गया और ट्रैफिक को देखकर एक ही जगह बैठ गया। तब इस आदमी ने अपनी कार को रोककर सबसे पहले स्लॉथ को उठाया और उसे पेड़ तक पहुंचा दिया। इस दौरान ताज्जुब की बात ये थी कि स्लॉथ ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस दयालु इंसान को अपनी भाषा में थैंक्स भी कहा। वाह, मजा आ गया। इस अद्भुत नजारे को देखकर इस बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्ट्रे डॉग फेल इन द कैनाल। आवारा डॉग सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और कब ये डॉग नहर के पास पहुंचा किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुत्ते की आवाज सुनकर जब कुछ लोग नहर के पास भागे तो उन्हें पता चला कि ये डॉग नहर में फंस गया है। तब इन दयालु लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चैन बनाई और कुत्ते को नहर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस डॉग को भी पता चल गया था कि यही लोग जान बचा सकते हैं, इसलिए उसने इन लोगों पर भी अटैक नहीं किया। क्या आपने कभी किसी जानवर की जान बचाई है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टर्टल हैड अ नेट स्टक इन इट्स थ्रोट। मछुआरे अक्सर मछलियों को पकड़ने के लिए समुन्द्र में जाल फेंकते हैं और कई बार ये जाल दूसरे जानवरों के लिए भी दुखदायी साबित होता है। अब जरा इस बड़े से कछुए को ही देख लीजिए, जिसके गले में इतना सारा जाल फंसा हुआ था कि उसे खाना खाने और सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन शुक्र है इन लोगों का जो कछुए की मदद के लिए तैयार थे। जब इन लोगों ने देखा कि कछुआ मदद के लिए आगे आ रहा है तो उन्होंने भी फौरन कछुए को बाहर निकाला और उसके मुंह में फंसे जाल को निकालने लगे। लेकिन जाल तो कछुए के गले तक चला गया था। तब रेस्क्यू टीम ने कुछ औजारों की मदद से कछुए के गले से जाल के बड़े हिस्से को बाहर निकाला। इस दौरान कछुए के मुंह से कुछ हुक्नुमा चीज भी निकली जिसे कांटा कहते हैं। इसका इस्तेमाल मछली को पकड़ने के लिए खूब किया जाता है। कछुए के मुंह से जाल निकालने के बाद रेस्क्यू टीम के लोगों ने वापस उसे पानी में छोड़ दिया। बेबी डियर स्टक इन मड। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें भी नम हो सकती है, क्योंकि हिरण का ये बच्चा कीचड़ में इतनी बुरी तरह फंस गया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक व्यक्ति ने हिरण का रेस्क्यू किया। मदद करने वाला शख्स घटनास्थल पर एक क्रेन को लेकर पहुंचा और खतरनाक दलदल से हिरण को सुरक्षित करके निकाल लिया। स्थिति इतनी भयानक थी कि हिरण का सकुशल बचना नामुमकिन था, मगर इस दयालु इंसान ने हिम्मत जुटाते हुए हिरण को एक सूखी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद हिरण उठ खड़ा हुआ और फिर वहां से चला गया। लेपर्ड इन ट्रबल। लेपर्ड की फितरत के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि वो कितना खतरनाक और जानलेवा होता है। इसके सामने जानवर तो क्या, इंसान भी आने से भागते हैं। लेकिन आज यहाँ लेपर्ड की शामत आने वाली है और जान लेने वाला खुद जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। दरअसल भोजन की खोज में निकला ये लेपर्ड एक गांव में पहुंच जाता है, लेकिन जब इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये सोचता है कि क्यों ना आज पानी पीकर ही गुजारा कर लिया जाए। पानी के लिए जैसे ही लेपर्ड बर्तन में मुंह डालता है तो इसका सिर उसी में फंस जाता है और फिर शुरू होती है असली कहानी। देखिए कैसे सिर में फंसे इस बर्तन को निकालने के लिए लेपर्ड जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। लेपर्ड को इस हालत में देखकर काफी लोग जमा हो जाते हैं और इसे देखते रहते हैं। भला कौन अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खूंखार शिकारी की मदद करेगा। मगर कुछ लोग साहस का दम भरते हुए आगे आते हैं और काफी संघर्ष के बाद लेपर्ड का सिर इस बर्तन से बाहर निकालने में सफल रहते हैं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लेपर्ड को एक गाड़ी में लेकर जंगल में छोड़ देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जानवर की मदद की है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।